इंदौर राजवाड़ा स्थित गोपाल मंदिर व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक खत्री के सानिध्य में विरोध जताया। दीपक खत्री का कहना है कि कानून सिर्फ मुख्य मार्गों के और व्यापारियों के लिए है। कवाड़ा बाजार, गोपाल मंदिर की गली और राजवाड़ा के फुटपाथ पर जो दुकानें लग रही है उसके लिए कोई सोशल डिस्टेंसिंग का नियम नहीं दिखाई दे रहा है। इंदौर से ब्यूरो के साथ मंथन सेन और गणेश की रिपोर्ट। राजवाड़ा व्यापारी सब इकट्ठे हुए हैं गोपाल मंदिर के पीछे, जो अपना मार्केट है कवाड़ा बाजार वगैरह, जो अपने नगर निगम ने जो एक दिन बंद, एक साइड बंद एक साइड चालू का जो आदेश जारी करा है, उस आदेश का व्यापारी लोग पालन कर रहे हैं। एक साइड बंद एक साइड चालू का पूरा बाजार बंद है, लेकिन क्या है कि ये सब दुकानदारों के लिए कानून है। आज यहाँ पर सब व्यापारी लोग चाहते हैं कि ना, आज त्यौहार का समय चल रहा है, चार महीने से घर बैठा हुआ है व्यापारी, कमाई धंधे है नहीं, स्कूल की फीसें वगैरह नहीं भर पा रहे हैं, घर नहीं चला पा रहे हैं, आज मार्केट की स्थिति बहुत ख़राब है, लेकिन आपके नगर निगम के अधिकारियों का आदेश का पालन व्यापारी लोग कर रहे हैं, लेकिन व्यापारियों के लिए और दुकानदारों के लिए जो लागत लगा के आज बैठे हैं, आज उनके लिए ये सब कानून है। आज पूरा राजवाड़ा गोपाल मंदिर और आपका इमामबाड़े पे पूरा फुटपाथ बसा हुआ है। आज फुटपाथ वालों के लिए कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, बिगर लागत के लोग यहाँ बैठे हुए। अभी उपाध्याय जी आए थे, उनसे बात हुई है, देवेंद्र सिंह साहब से फोन पे बात हुई है। क्या कहना पड़ रहा है उनका? उनका कहना पड़ रहा है, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि दिखवाते हैं, अभी देखते हैं, बाकी कोई कार्रवाई तो हो नहीं रही है। अधिकारी भी आते हैं, थोड़ी देर के लिए दुकानें हट जाती है, थोड़ी देर बाद फिर लग जाती है, लेकिन अगर कानून हो तो सबके लिए एक जैसा हो, व्यापारियों के लिए सबके एक सरी का कानून हो, और व्यापारी, हर व्यापारी यहाँ का आदेश का पालन कर रहा, सबका सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए, दुकानदारों के लिए अलग, फुटपाथ वालों के लिए अलग। आज दुकानदार इतनी लागत लगा कर काम धंधे कर रहा है, इतना परेशान है व्यापारी, लेकिन उसके लिए कोई कानून, मतलब उनके लिए सब कानून है और इनके लिए कोई कानून नहीं है फुटपाथ वालों का। दीपक खत्री, गोपाल मंदिर व्यापारी एसोसिएशन अध्यक्ष। विगत तीन महीने के लॉकडाउन के पश्चात जब हमारी दुकानें खुली तो पहले कलेक्टर महोदय द्वारा ऑड इवन चलाया गया, उसमें भी हमने पूर्णतः रूप से पालन किया। उसके पश्चात आज लेफ्ट राइट सिस्टम चालू किया गया है, उसके तहत भी हम पूरा पालन से अपनी दुकानों पर आ रहे हैं और बराबर टाइम से दुकानें खोल रहे हैं, टाइम से मंगल कर रहे हैं। उसके पश्चात भी बाजार में व्यापार नहीं है, व्यापार अगर नहीं चलेगा तो हमारा घर कैसे चलेगा। हम इस चीज़ के लिए आज हमने हमारे अध्यक्ष महोदय को बुलाया था, उन्होंने भी आपके समक्ष बातें रखी है। हम अध्यक्ष कलेक्टर साहब से यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण करें और हम गरीबों की आवाज़ सुने। राहुल तलरेजा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।